नाना साहब पेशावर अंग्रेजों के बीच हुई भीषण जंग नाना साहेब और ब्रिटिश सेना के बीच की इस लड़ाई ने सत्तीचोरा घाट के नरसंहार के बाद और भी गंभीर रुख अख्तियार कर लिया। दरअसल 1857 में एक समय पर नाना साहेब ने ब्रिटिश अधिकारियों के साथ समझौता कर लिया था, मगर जब कानपुर का कमांडिंग ऑफिसर जनरल विल्लर अपने साथी सैनिकों व उनके परिवारों समेत नदी के रास्ते कानपुर आ रहे थे तो नाना साहेब के सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया। इस घटना के बाद ब्रिटिश पूरी तरह से नाना साहेब के खिलाफ हो गए और उन्होंने नाना साहेब के गणमाने जाने वाले बिथूर पर हमला बोल दिया। हमले के दौरान नाना साहेब जैसे तैसे अपनी जान बचाने में सफल रहे, लेकिन यहाँ से भागने के बाद उनके साथ क्या हुआ ये बड़ा सवाल है। इसे लेकर कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वह भागने में सफल हो गए थे और अंग्रेजी सेना से बचने के लिए भारत छोड़कर नेपाल चले गए। हालांकि रहस्य केवल नाना साहेब के गायब होने का नहीं है, बात उनके बेशकीमती खजाने की भी है। जिस समय अंग्रेजों ने नाना साहेब के महल पर हमला किया तो उनके हाथ नाना साहेब तो नहीं लगे, लेकिन दौलत की भूख अंग्रेजों ने उनके महल को कुरेदना शुरू कर दिया। अंग्रेज वहां किसी गुप्त खजाने की तलाश में थे। इसके लिए खास तौर पर रॉयल इंजीनियरों व लगभग आधी ब्रिटिश सेना को काम पर लगा दिया गया। खजाने की खोज के लिए अंग्रेजों ने कुछ भारतीय जासूसों की भी मदद ली, जिसके चलते वह खजाना ढूंढ पाने में लगभग सफल हो ही गए। महल में खोज के दौरान अंग्रेजों को 7 गहरे कुएं मिले, जिनमें तलाशने पर उन्हें सोने की प्लेट मिली। इससे ये पक्का हो गया कि नाना साहेब का खजाना इन्हीं कुओं में कहीं छिपाया गया है। एक, इस दौरान सारा पानी निकाल कर जब कुएं की तलाशी ली गई, तो कुएं के तल में बड़े बड़े बक्से दिखे जिसमें सोने की कई प्लेटें, चांदी के सिक्के व अन्य बेशकीमती सामान रखा हुआ था। इतना बड़ा खजाना अंग्रेजों के हाथ लग चुका था, बावजूद इसके उनका मानना था कि नाना साहेब खजाने का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने साथ ले गए हैं। नाना साहब की मृत्यु को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। माना जाता है कि नेपाल के देवखारी गांव में रहते हुए नाना साहेब भयंकर बुखार से पीड़ित हो गए और इसी के परिणाम स्वरूप मात्र 34 साल की उम्र में 6 अक्टूबर 1858 को इनकी मौत हो गई। कुछ विद्वानों एवं शोधार्थियों के अनुसार क्रांतिकारी नाना साहब के जीवन का पटाक्षेप नेपाल में न होकर गुजरात के ऐतिहासिक स्थल सीहोर में हुआ। सीहोर के गोमतेश्वर स्थित गुफा, ब्रह्मकुंड की समाधि, नाना साहब के पौत्र केशवलाल के घर में सुरक्षित नागपुर, दिल्ली, पूना और नेपाल आदि से आए नाना को संबोधित पत्र तथा भवानी तलवार, नाना साहब की पोथी, पूजा करने के ग्रंथ और मूर्ति, पत्र तथा स्वाक्षरी, नाना साहब की मृत्यु तक उनकी सेवा करने वाली जलीबेन के घर से प्राप्त ग्रंथ, छत्रपति पादुका और स्वयं जलीबेन द्वारा न्यायालय में दिए गए बयान इस तथ्य को सिद्ध करते हैं कि सीहोर गुजरात के स्वामी दयानंद योगेंद्र नाना साहब ही थे जिन्होंने क्रांति की कोई संभावना न होने पर 1865 को सीहोर में संन्यास ले लिया था। मूल शंकर भट्ट और मेहता जी के घरों से प्राप्त पोथियों से उपलब्ध तथ्यों के अनुसार बीमारी के बाद नाना साहब का निधन मूल शंकर भट्ट के निवास पर भाद्रमास की अमावस्या को हुआ।